ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग और आप ही आफ्टरनून हो गया, क्लास बाद में ले लें, ठीक है। आदत हो गया बार बार मॉर्निंग मॉर्निंग बोलते बोलते, ठीक है। खैर आप जब भी देखिए उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, आप मॉर्निंग में देखें, ठीक है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में भी हमने ऑर्थोग्राफिक पढ़ाया था, अब तक ऑर्थोग्राफिक का 2 लेक्चर हो गया है, आइसोमेट्रिक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जल्दी से उसका टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये ऑर्थोग्राफिक चल रहा, अब बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि ऑर्थोग्राफिक तो ग्राफिक्स में है और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या रिलेटेड है। एक तो ये है कि हम ऑर्थोग्राफिक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमको मिसिंग व्यू पढ़ाना है और मिसिंग व्यू कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। हमने पहले भी इससे पहले लेक्चर में बताया था कि मिसिंग व्यू इससे कैसे रिलेटेड है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम आपको अच्छी तरह से, अगर आप अच्छी तरह से पहले ऑर्थोग्राफिक पढ़ लेंगे तो फिर मिसिंग व्यू आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई लाइन मिस होता है, कोई उसका व्यू मिस होता है, जैसे ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है। उसमें मिसिंग व्यू में क्या होता है, कोई 2 व्यू दिया रहेगा, तीसरा ड्रॉ करना है। जब आपको तीनों ड्रॉ करना आ जाएगा तो 2 दिया रहेगा तो उससे तीसरा ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। साइड एंड फ्रंट दिया रहेगा, टॉप ड्रॉ करना है, टॉप एंड साइड दिया रहेगा, फ्रंट ड्रॉ करना है, फ्रंट एंड साइड जो है टॉप दिया रहेगा, फ्रंट ड्रॉ करना, तो ये इजी है। जब को पहले आपको क्या है, तीनों व्यूज ड्रॉ करना आना चाहिए फ्रंट साइड में। अब ये देखिए, आइए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस है आज के इस लेक्चर में, हम ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे, आपको भी देंगे कुछ। तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से फ्रंट व्यू, इधर से आपको देखना है, ठीक है। तो फ्रंट में क्या क्या दिखता है, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुके थे कि फ्रंट में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ और हाइट दिखेगा, ठीक है ना। फ्रंट में क्या दिखेगा, लेंथ एंड हाइट दिखेगा। ये साइड व्यू है, साइड व्यू हमारा कौन सा साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। ये ड्रॉ कहाँ पे होगा, राइट साइड में, फ्रंट व्यू के राइट साइड में ड्रॉ होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन तो समझ में आ ही गया होगा, कितना है टोटल, क्या ये टोटल 90 है, ये टोटल हाइट 60 है, ये टोटल 30 है, ये भी 60 है, ये 90 90 60, ठीक है। अब ये देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना है 90, b इज इक्वल टू 60, h इज इक्वल टू 90, ये कर दिया कैलकुलेशन, ठीक। क्यों करना है आपको, ड्रॉ करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, बेस लाइन ड्रॉ करना है। ये आपने रेफरेंस लाइन या बेस लाइन, बेस लाइन या एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी अपने को सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट ऊपर होता है, टॉप नीचे होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नहीं पढ़ना, उसका उल्टा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये फ्रंट भी ड्रॉ करना है सबसे पहले पहले, उसके उससे पहले हमको ये देखना है कि अपने पास राइट साइड व्यू के लिए स्पेस छोड़ना है, याद रखना चाहिए इसको, ठीक है। ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू हमारा ड्रॉ होगा ये साइड, ठीक है। क्यों, लेफ्ट साइड व्यू है हमारा, लेफ्ट साइड फ्रंट के राइट साइड में ड्रॉ होता है, मतलब मेरे ये साइड हमको थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। फ्रंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हम फ्रंट ड्रॉ कर लें, यहाँ से यहाँ पर 10 20 15, कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ताकि वो एक्सिस पे नहीं रहे। अगर आप दोनों को एक्सिस पे मिलाकर के ड्रॉ करेंगे टॉप एंड फ्रंट, तो ये अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दोनों के बीच में। ये 10 mm का हमने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और ये टोटल है जो 90 mm है, वो हम 90 mm एक लाइन लिया, ठीक है। और उसके बाद हाइट कितना है हमारा, हाइट भी 90 mm है। तो इस तरह से पहले हमने बॉक्स बना लिया इसके लिए, और इस लाइन को हम आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया हमारा, फ्रंट व्यू का बॉक्स, और ये टॉप व्यू का बॉक्स, टॉप व्यू में लेंथ एंड क्या दिखता है, ब्रेथ दिखेगा। तो ये ब्रेथ 60 है, इसका भी बन गया बॉक्स, ठीक है। अब इसका बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दूसरा एक प्लेन लेंगे, जैसे ये एक्स वाई प्लेन था ना, तो ये x1 y1 प्लेन लेंगे, और उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री का एक लाइन लेंगे,
ये देखिए 45 डिग्री, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कीजिए, इसको भी एक्सटेंड कीजिए यहाँ तक लाइन तक। इसके बाद इसको ऊपर एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से इसको भी ऊपर एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से इसको एक्सटेंड कीजिए। तो इस तरह से साइड भी का भी एक बॉक्स बन गया। ये देखिए साइड भी हमारा बॉक्स कंप्लीट है। मतलब मेरा जो डायग्राम बनेगा इस बॉक्स के अंदर ही बनेगा, तीनों व्यूज कंप्लीट है। अब देखिए फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है। यहाँ देखिए फ्रंट में तो कुछ इस टाइप का शेप दिख रहा है फ्रंट में। ये जो पोर्शन है हमारा यही फ्रंट भी तो है ना, ये फ्रंट भी पोर्शन है। तो ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ पर पूरा अपने को 60 ये लाइन तो पूरा नीचे का बेस का दिख रहा। और ये हाइट पूरा 90, ये 90 और ये भी 90, ये पूरा दिख रहा। उसके बाद यहाँ से ये कितना है 30, तो फिर ये 30 तक दिख रहा है ना। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जा रहा, कितना 30 नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये 30, ये 30, फिर 30 इधर आया और फिर 30 नीचे की तरफ चला गया। मतलब कुछ फ्रंट व्यू इस टाइप का बना है ना, 30 30 30। अब अगर हम इसको चाहे तो इसको मिटा दें या चाहे तो आप रहने दें और जो हमारा वांटेड है उसको डार्क कर दें। तो देखिए दिख रहा था फ्रंट व्यू इस टाइप का। कुछ करना पड़ा हमको, सिर्फ 30 30 जो था कट करते चले गए और ऑटोमेटिक बन गया। मतलब उसी के बॉक्स के अंदर बनेगा, ये हो गया हमारा। अब देखिए टॉप से क्या दिख रहा है, तो हम टॉप देखते हैं। एक तो ये दिख रहा पोर्शन, ये पोर्शन, दूसरा ये पोर्शन दिख रहा, तीसरा ये पोर्शन दिख रहा। मतलब तीन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिखेगा फ्रंट से ऊपर टॉप से। ये ऊपर से देखेंगे तो तीन, एक ये दूसरा ये तीसरा ये, तीन रेक्टेंगुलर बॉक्स। कुछ भी हमको करना नहीं है, डायमेंशन ऑलरेडी हम मेजर कर चुके हैं, इसको क्या करें एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखिए बोलिए कंप्लीट हो गया। जब एक बन गया हमारा फ्रंट बन गया तो फिर बोलिए टॉप बनाना कितना आसान हो गया। सिर्फ ये तो टॉप भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब आते हैं साइड व्यू को। साइड व्यू पे क्या करना है, यहाँ हमने मेजर किया था, कट कर लिया था, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे 30 30 किया था। अब देखिए साइड से, तो हम जब साइड से देख रहे हैं तो एक ये पोर्शन दिख रहा रेक्टेंगल, दूसरा ये रेक्टेंगल, तीसरा ये रेक्टेंगल है ना। यहाँ भी ऑलरेडी तीन पोर्शन तो आ ही गया, एक दो। जब आप जो है डायमेंशन के साथ मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा इक्वल आएगा, तीनों भी डायमेंशन सही आएगा, ठीक है ना। अब आपको करना है क्या, डायमेंशन के लिए लाइन एक्सटेंड कर लीजिए। आप इसको एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गैप रखा 1:3 के रेशियो में जो है मैं आप एरो ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे आप इसका ब्रेथ कितना है 60 हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइन हम सबका लाइन एक्सटेंड किया, ठीक है ना। और उसके बाद थर्टी 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 ओके। उसके बाद आप यहाँ आपको जो एरो बनाना है वो 1:3 के रेशियो में बनाना है, 30 30 30 कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट टॉप साइड बोलिए क्या प्रॉब्लम था इसमें, तो जल्दी से आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सामने आके दिख रहा किस टाइप का होगा। फ्रंट मेरा ये साइड अभी हमने ड्रॉ कर ये कलर कर दिया, ठीक है। फ्रंट ये साइड है, इधर से हम देख रहे हैं
क्या दिया आपको? अच्छा, फ्रंट से जब आप देखेंगे तो कहीं से आपको कटा छटा हुआ पोर्शन कोई दिख रहा, कहीं से आपको कटा हुआ दिखेगा फ्रंट से, ठीक है ना? एक ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, बस दो शेप दिखेगा आपको। जब आप टॉप से देखेगा तो एक ये पोर्शन दिखेगा, दूसरा ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है ना? उसमें दिखेगा कि हाँ कुछ कटा हुआ पोर्शन है, कुछ होल है, वो टॉप से दिखेगा। और फिर साइड से जब देखेंगे तो भी उसमें दिखेगा। तो सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बार बार एक तो बार बार आपको हम डायमेंशन में बताएंगे और बार बार वही रिपीटेड प्रोसीजर में बताएंगे, ठीक है ना? इसका लेंथ टोटल 30 है। इसमें भी सेम वैसी है, साइड भी हमारा वो साइड बनेगा, वो साइड हम जगह छोड़ दे रहे हैं, लेफ्ट साइड भी है, लेफ्ट साइड हमारा राइट में बनता है फ्रंट में, ठीक है? तो ये 30 है, 30 हमने मेजर कर लिया। और इसका टोटल हाइट दिया हुआ है, हाँ टोटल हाइट 20 ही है, क्योंकि 20 मेजर कर लिया। 30 एंड 20 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। जल्दी से आ जाते हैं इसको एक्सटेंड करके, कहाँ राइट लाइन से एक्सटेंड करना है। अगर हम यहाँ पे ये पेंसिल ऐसा एक्सटेंड कर लिया टॉप में क्या दिखेगा? लेंथ तो दिखेगा ही 30 का, और ये 50 दिखेगा। ब्रेथ हमारा 50 है, ठीक है? उसके बाद दूसरा प्लेन लीजिए, एक्सिस x1 y1, ये हमारा xy था। यहाँ से 45 डिग्री का लाइन ले लीजिए, बहुत इजी मेथड बता रहे हैं आपको हम, 45 डिग्री का लाइन लीजिए। इसको एक्सटेंड कर दीजिए 45 की लाइन तक, इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए 45 की लाइन तक, और यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन ले जाइए, यहाँ से भी। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स बन गया हमारा, ये साइड वे का बॉक्स तैयार है। अब इसी के अंदर हमको बनाना है फ्रंट साइड टॉप। तो आप देखिए हम टॉप से आते हैं, जब टॉप से आते हैं तो ये टोटल 20 है, ये 10 था यहाँ पे, तो 10 ये हाइट है इसका 10, ठीक है? उसका 10 दो बॉक्स दिखेगा, 20 था ये हमारा टोटल, उसका हम 20 को क्या करें बाई हाफ कर देंगे, तो 10 हो गया। ये मेरा फ्रंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? फ्रंट भी में क्या क्या हमको दिखा, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखने के लिए हम इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए फ्रंट से देखेंगे तो एक पोर्शन आपको ये दिखेगा और दूसरा ये पोर्शन दिखेगा, बस इतने ही से पोर्शन फ्रंट से दिखेगा, ठीक है? तो मेरा ये दो पोर्शन फ्रंट व्यू का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम टॉप व्यू की बात करते हैं। तो टॉप व्यू से देखिए एक पोर्शन तो आपको पूरा ये दिखेगा और दूसरा पोर्शन पूरा ये दिखेगा, ठीक है? तो टोटल कितना है हमारा मालूम है आपको? 50 है। तो 50 में ये आपका 20 हो गया और ये 30 है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम 20 मेजर कर लेंगे, दिख रहा है ना अच्छे तरह से? ये 20 मेजर कर लिया, ये रह गया 30 वाला पोर्शन। अब 30 वाला पोर्शन में क्या दिख रहा है आपको पता है? 30 वाले पोर्शन में 20 x 20 का होल है, यहाँ से साइड के तरफ से यहाँ से यहाँ तक पहले 20 मेजर कर लेंगे और इधर 20 ऐसा होल है, ठीक है? अगर हम इस पोर्शन को निकाल दिए तो देखिए कुछ ये शेप बचेगा या नहीं बचा, आप यहाँ देखिए सही से कौन सा शेप बचा पता है? एक तो ये शेप बचा, तो ये रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ये बचा, ये रेड वाला देखिए, ठीक है? ये वाला पोर्शन, ये पहले एल शेप हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक एल शेप हो गया पहले, और फिर ये जो पोर्शन बचा रेक्टेंगल, ये नीचे का कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है? यहाँ लाइन नहीं है इसलिए हमने यहाँ लाइन ले ली, ठीक है? यहाँ कटा हुआ पोर्शन है, ये पूरा एक्सटेंशन में है। चलिए तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ तक है, ये वाला लाइन आगे तक बढ़ा हुआ है ना, यहाँ कटा हुआ नहीं। अगर हो सकता है चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं, मतलब कटा हुआ तो है अंदर से, लेकिन यहाँ पे लाइन भी है नीचे का, नीचे वाला लाइन, तो इस टाइप का बनेगा। और अगर लाइन नहीं रहा तो ये ले रहे, ये साइड का भी लाइन नहीं रहा, मतलब अगर यहाँ तक ही रहता फिगर हमारा तो ये तो पूरा कट के निकल जाता, ये पूरा पोर्शन बाहर निकाल देते, लेकिन हम लाइन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? यहाँ भी आ गया तो इस टाइप का बन जाएगा। तो मेरा ये भी कंप्लीट हो गया।
अब हमको क्या करना था, ये जो आपने दो लाइन ड्रॉ किया था, मेजर किया था 20 का, और ये जो है इसको 20 नीचे से मेजर किया, तो हम इसी को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे आगे, ताकि हमको साइड व्यू में क्या करना पड़े, मेजर करना नहीं पड़े, ठीक है ना, साइड व्यू में हमको मेजर करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो लाइन आया है यहाँ पे कटा हुआ, ये ऊपर एक्सटेंड नहीं हुआ, इसको हम ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों करेंगे ऊपर एक्सटेंड, अब कैसे दिखाएंगे, कहाँ तक करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन कटा था मेरा, इसको ऊपर लेके चले गए, लेकिन ये ऊपर जो जाएगा वो सिर्फ ये पोर्शन तक ही जाएगा, मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगा, डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा कि यहाँ पर कोई पोर्शन है जो हिडन है, मतलब कोई ऐसा चीज है जो यहाँ पे हिडन है, सामने से तो दिख नहीं रहा, लेकिन टॉप से जब देखेंगे तो वो दिख रहा है कि यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन है, इसलिए उसको डॉटेड से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया ना डॉटेड का मतलब क्या है। आगे ये साइड की तरफ, तो ये देखिए साइड में हम पहले तो ये पूरा मेरा एल शेप बनेगा, कितना साइज का 20 उसका लेंथ होगा, हाँ ये हमारा है, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लिया, तो ये पूरा लाइन पहले तो 20 का पूरा लाइन दिखेगा, फिर ये वाला पूरा लाइन दिखेगा 20 तक, उसके बाद ये, और फिर ये यहाँ तक, ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ तक एक शेप बन गया, ये वाला जो था, ये मेरा कटपुट का जो है ये हमारा साइड व्यू है, तो ये साइड शेप बन गया ना यहाँ से, उसके बाद फिर रहेगा ये भी तो दिखेगा साइड से, अंदर में जो कटा हुआ पोर्शन है ये वो ब्लॉक है जो कटा हुआ पोर्शन है, दो ब्लॉक बन गया, मतलब यहाँ पे ये एल अलग है, रेक्टेंगुलर कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो अंदर की तरफ है, लेकिन जब साइड से देखेंगे तो साइड से वो दिखेगा हमको, है ना, कोई चीज जैसे यहाँ से देख रहे हैं, ये दो पेंसिल दो पेन है मेरा अलग अलग, है ना, इसका ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ, लेकिन जब सामने से देख रहे हैं तो दोनों तो दिख रहा ना, दो सर्कल दिख रहा है ना, हाँ सर, ऐसा ही आगे पीछे रहेगा तो दिखेगा हमको जरूर। अच्छा, इसको ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, है ना, यहाँ पे एक ही दिखेगा, तो वही हाल है, सामने से जब देखें तो यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन नहीं देखा, कटिंग पोर्शन नहीं देखा, है ना, यहाँ पे उसको लेकिन शो किए, यहाँ इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे कटिंग पोर्शन दिख नहीं रहा उसको, इसलिए डॉटेड लाइन से डिनोट किया। अब इसका डायमेंशन आपको करना है, बार बार डायमेंशन करते करते टाइम बहुत लगता है, ठीक है, डायमेंशन ये तो कंप्लीट हो गया हमारा फिगर। आप चाहे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि जितना भी अनवांटेड लाइन है उसको आप पूरा हटा दें, जितना भी रेड वाला है सब लाइन हटा दें तो बच जाएगा, तो वो मेरा फिगर है। दूसरा ये है कि जो वांटेड है उसको डाल कर दो, उसको रहने दें, और जो वांटेड है उसको डाल कर सकते हैं इस टाइप से, मतलब ये मेरा फ्रंट भी कम्प्लीट हो गया इस टाइप का, ठीक है, ये मेरा साइड भी कम्प्लीट हो गया, मतलब दिखना चाहिए हमको जो हमारा जो है फिगर है वो डार्क रहेगा, और जो हाँ उसमें ये नहीं करना आपको पेंसिल से रगड़ रगड़ के डार्क कर रहे हैं इस टाइप से, नहीं ड्राइंग नहीं होता है, मतलब रगड़ के डार्क नहीं करना है, है ना, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, डार्क मतलब लाइन डार्क होना चाहिए, ये है प्रोसेस। यहाँ पे स्केचिंग आपको करना नहीं है, स्केच करके रंग रहे हैं उसको डार्क करते हैं, ये नहीं है ड्राइंग, ये डार्क का मतलब यह है कि पूरा एक लाइन डार्क लाइन होना चाहिए, और लाइट लाइन आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, अगर हाथ को आप हल्के हल्के यूज करेंगे तो लाइट लाइन पड़ेगा, पेंसिल बदलने की कोई जरूरत नहीं, पेंसिल बदलते हैं इसलिए यूज कराते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, ताकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं रहता है, इसी आप एक ही पेंसिल से आप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, लाइट अगर पेंसिल को आप पकड़ेंगे तो लाइट होगा, और उसको अगर आप इस तरह से दबा के पकड़ेंगे लाइट करके, है ना, टाइट से, तो ये देखिए डार्क कलर ड्रॉ होगा। एक ही पेन है मेरे पास, ये लाइन हमने ड्रॉ किया और इसी को हमने डार्क ड्रॉ किया, दो लाइन है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने हाथ का यूज करके, पेंसिल आप चेंज करें या ना करें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल में होता यही है कि पॉइंट्स उसका अलग अलग रहता है, पॉइंट्स की वजह से आप क्या कर सकते हैं अलग अलग ये रहता है, ठीक है। अब आते हैं आज ये जो है हमारा दो प्रॉब्लम हो गया है, पूरा कंप्लीटेड है, इसका डायमेंशन आपको ये करना है, ठीक है, इसका डायमेंशन आप शो कर लेंगे, इससे पहले हम आपको ये प्रॉब्लम में डायमेंशन शो करने का पूरा प्रोसेस बता चुके हैं, तो आज ये लास्ट टॉपिक इस ये लास्ट फिगर बता दें, लास्ट प्रॉब्लम इसका आज का, तो टोटल
इसमें देखिए टोटल लेंथ इसका कितना है, ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, और फिर 10-10 का गैप है, 10-10, टोटल कितना हो रहा है लेंथ, 20, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50 and 70, टोटल लेंथ इज 70, टोटल हाइट, टोटल हाइट इज 20, हाइट टोटल 20 ही है, ठीक है। अब ये देखिए ब्रेथ कितना है, 10 ही है और 10 वो है 20 और 10 ये 30 और 10 40 और ये 50, टोटल ब्रेथ इज 50, ठीक है। आइए ड्रॉ करते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें एक चीज चेंज कर लेते हैं, फ्रंट यहाँ पे कर देते हैं, बात तो होता था कि फ्रंट इसी डायरेक्शन में आ रहा था तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड भी बन रहा था, अब हम इसमें मेरा जो साइड भी है वो राइट हैंड साइड भी है, फ्रंट इधर होने की वजह से क्या हो गया, राइट हैंड साइड भी हो गया, तो राइट हैंड साइड भी मेरा इधर बनेगा, ठीक है ना। पहले हम फ्रंट बन रहे हैं, राइट साइड भी को जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं पहले, और पहले यहाँ पे फ्रंट बना रहे हैं, ये मेरा फ्रंट भी बन गया। फ्रंट भी में क्या क्या दिखता है, लेंथ, लेंथ में डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा वो 50 वाला हो जाएगा और ब्रेथ जो हो जाएगा आपका वो 70 हो जाएगा। ये देखिए 50 ले लिया मैंने और ये 20 हाइट हो गया, 50 एंड 20 का बॉक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको नीचे की तरफ जो है हम एक्सटेंड कर दिए इस लाइन को, और उसके बाद इसमें क्या दिखेगा, ब्रेथ दिखेगा टोटल 70, ठीक है, 50 एंड 70 का एक बॉक्स बन गया, हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरा एक्सिस लेना है आपको x1 y1, ये x1 y अगर मानते हैं तो इसको x1 y1, या इसको x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2, बात ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया 45 डिग्री एंगल यहाँ, ठीक है ना, इसको यहाँ तक लाइन तक एक्सटेंड कीजिए, ये लाइन तक, इसको ऊपर कर दो, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसका भी एक बॉक्स बन गया साइड में के लिए, इसी बॉक्स के अंदर बनेगा मेरा फ्रंट साइड टॉप, तीनों का ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, ठीक है। आ जाइए हम आते हैं पहले फ्रंट की बात करते हैं, तो ये देखिए फ्रंट में हमको ये दिखेगा, ठीक है, ये शेप दिखेगा और फ्रंट में ये भी दिखेगा, ठीक है, हाँ। तो फ्रंट में सबसे पहले ये मेरा पूरा जो हाइट था वो दिख रहा है 20, और ये जो पूरा लेंथ था वो पूरा लेंथ दिख रहा है 50, उसके बाद ये जो है 10 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 10 दिखेगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, टोटल 20 है, 10 नीचे की तरफ आ गया, और उसके बाद फिर ये पूरा इन तक चला गया, हो गया पूरा, ये इन तक है यहाँ से यहाँ तक, हो गया यहाँ तक आ गया, और उसके बाद फिर साइड में यहाँ से 10 है, ये देखिए कुछ इस टाइप का दिखेगा, बस इतना ही दिखेगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगा वो बाद में आएगा जब टॉप बनाने के बाद, अब हम टॉप बनाते हैं, तो पहले तो दो लाइन जो आ गया है इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, बार बार मेहनत करना नहीं पड़ेगा हमको, टॉप से देखें तो टॉप से एक कोना भी ये आएगा, दूसरे कोना भी ये आएगा 20 और 10 का, तो ये 10 जो है इधर 20 रहेगा, ये 20 हो गया, ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है, फिर ये इधर भी रहेगा 20, हो गया। अब उसके बाद जो है सेंटर में हमको 10-10 का एक बॉक्स दिखेगा, सेंटर में इस टाइप का एक बॉक्स दिखेगा, बाकी तो पूरा प्लेटफॉर्म हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसी का एक हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्स बना था सेंटर में इसको एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ, और ये हमारा फ्रंट से डॉटेड हो जाएगा, क्योंकि
फ्रंट में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अंदर में होल है, कटा हुआ पोर्शन है ना, ये बॉक्स है, अंडरग्राउंड बॉक्स है, वो फ्रंट से नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे गटर हो गया, कंप्लीट हो गया। साइड में भी क्या होगा, साइड में भी कुछ इसी तरह से होगा, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, जितना भी लाइन है ना सब लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब उसी लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, बार बार उसको बेजर नहीं करना पड़ेगा। साइड में देखिए उधर से, ये पूरा साइड हो गया, ये पूरा साइड हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक, ये ठीक है, एक ये तो पूरा नीचे का प्लेटफॉर्म हो गया पूरा, ये नीचे का, ये और ये दिख रहा है साइड से, ठीक है, ये पूरा हो गया, देखिए ये पूरा बन गया ना, देखिएगा कुछ इस टाइप का एल शेप का बना है इस टाइप का, और फिर ये फेस, ये तो पूरा ये एल शेप का, फिर ये बॉक्स बना, ये पूरा हो गया बॉक्स, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ये वाला जो लाइन जा रहा ना, एक तो लाइन ये जा रहा, ये यहाँ पे डॉटेड हो गया, मतलब ये पोजीशन पे हमारा, और दूसरा इस पोजीशन पे क्या है, होल है, जो कि साइड से भी नहीं दिख रहा ना, फ्रंट से दिख रहा ना साइड से दिख रहा, तो वहाँ पे इमेजिन है, डॉटेड से हम काउंट करते हैं, तो दोनों में डॉटेड आया और एक्चुअल यहाँ पे दिख रहा। तो आप कभी भी क्या करेंगे, साइड बनाने के लिए बहुत आसान है, जितना भी है सबको, सब लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, बस उसमें जो है आपको बना लेना। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि इसको जो है पूरे डायमेंशन के साथ में आप शीट में इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।